Hello guys, welcome to our YouTube channel. Hello guys. Guys, welcome to our YouTube channel. Hello guys, welcome to our YouTube channel. अरे कहना क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? व्लॉग जो है हम बहुत टाइम पहले शुरू करने वाले थे, बट हम लोगों के पास एक ना टाइम नहीं होता था, जैसे टूर्नामेंट्स, स्टडीज, एग्जाम, ये वो। तो अब हमने सोचा कि हम थोड़ा टाइम निकाल के बना ही देंगे। मैं एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ और ये एक फुटबॉलर है। तो हमने जो है अपने लाइफ की जर्नी कैसे शुरू की, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, कैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी और कैसे घर वालों का सपोर्ट रहा, इन सब के बारे में आज थोड़ा सा बताएंगे। आज का व्लॉग इतना अच्छा नहीं होगा, पर हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। फुटबॉल का जो जर्नी है वो लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने पहले तो फुटबॉल को इतना डीप नहीं लिया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया, फिर मेरा इम्प्रूवमेंट भी होते रहा। फिर मैंने नेशनल्स वगैरह खेला, तो उसमें भी मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। तो फिर मैंने छोटे मैचेस खेले, इसके बाद मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया और मेरे कोचेस ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। इसके बाद मैंने एक नेशनल भी लगाया जो आसाम गुवाहाटी में हुआ था, मेरा फर्स्ट नेशनल। इसके बाद प्रैक्टिस पे फिर से आई मैं और मैंने लीग्स भी खेले, हिमाचल में एक लीग भी हुआ तो वो भी खेला और अभी भी प्रैक्टिस हो रही है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, बस शॉर्ट वे में थोड़ा डिफाइन करना चाहती थी, वो मैंने आपको बता दिया। जो पोजीशन है वो अभी मिड फील्ड है, पहले मेरा स्ट्राइकर पे था तो अभी मेरा मिड फील्ड हो गया। और मेरे जो कोचेस थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। फिर मैं हिमालयन एफसी जो है वहाँ पे मैं लीग्स खेला, वहाँ पे भी मैं रही, वहाँ पे भी मैंने बहुत मैच खेले, बहुत 10 मैचेस होते थे, वहाँ पे भी मैंने बहुत गेम खेला। तो ऐसे ऐसे करके मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी होने लगा, आगे भी बढ़ती गई और पेरेंट्स वगैरह भी सपोर्ट करने लगे। अभी मैं पेगासस एफसी में खेलती हूँ, अभी मेरा जो क्लब है वो पेगासस एफसी है, उनके लिए मैं खेलती हूँ। मैं अपने लद्दाख के लिए इससे भी अच्छा खेलने की कोशिश करूँगी। तो मेरा हो गया है और मेरी बहन बताएगी अपने बारे में। मेरा नाम है शहनाज परवीन और मैं एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ। आधे से ज़्यादा हमारे लद्दाख के लोगों को पता है मेरे बारे में, तो इतना भी ब्रीफली नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो स्टोरी ऑफ शहनाज परवीन करके एक वीडियो है जो मेरी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उससे भी आपको थोड़ा पता लग जाएगा मेरे बारे में। तो मेरा जर्नी जो है वो 2015-16 से शुरू हुई थी। तब मैं कोई 7th क्लास में थी और मैंने इंडोर स्टेडियम में ज्वाइन किया था ताइक्वांडो को, एज़ आ शौक नहीं बट मतलब ऐसे ही जैसे इवनिंग टाइम पे हम लोग खेलते हैं वैसे टाइप का कुछ। तो इसीलिए तो इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है मेरा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और डिस्ट्रिक्ट लेवल जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला तब मैंने नॉकआउट फाइट खेली थी। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हुआ, उसके बाद मैं खेलती गई, अभी मैं इस मकाम पे हूँ। मैं इतनी बड़ी भी प्लेयर नहीं हूँ बट मैं कोशिश कर रही हूँ लद्दाख को आगे पहुँचाने की, और इससे भी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने की। और मैं 2 times यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं लद्दाख के लिए और भी अच्छा खेलूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ। हमारा लद्दाख भी बहुत आगे बढ़ना चाहिए गेम्स में। तो पेरेंट्स का सपोर्ट कहा जाए तो कोई शक नहीं है, हमारे घर वाले जो है गेम को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मेरे मम्मा जो है सुबह 5 बजे उठाते हैं कि तुम प्रैक्टिस कर लो, नमाज़ पढ़ लो फिर प्रैक्टिस कर लो। और समटाइम जब हम घर छुट्टी के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं मम्मा सोने दो, बट मम्मा यही बोलते हैं कि नहीं सोना नहीं है, जितना तुम इस टाइम पे खुद को जगाओगे, खुद को खुद मेहनत करोगे उतना आगे जाके आप लोगों को ही फ़ायदा होगी, ऐसा करके मम्मा जो है हमें सुबह सुबह मोटिवेट करते। तो आज का जो व्लॉग है वो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे YouTube पे भी प्यार देंगे, YouTube पे भी सपोर्ट करेंगे। दिक्कत नहीं है कि कोई किसी को अगर पसंद नहीं आता है तो आप
क्योंकि हम ज्यादा साथ होते नहीं है, मैं अपने टूर्नामेंट्स वगैरह में बिजी रहती हूँ, ये अपने में बिजी रहती है, तो आगे का जर्नी जो है आपको दिख जाएगा, और कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही अच्छा बनाए ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। जितना भी हम बाहर जाएंगे उतना हम एक्सप्लोर करेंगे, उतना हम वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह मोटिवेट करें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमारा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। थैंक यू। लव यू। थैंक्स।